हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेरीकल्चर डिस्कस करेंगे। सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क। सिल्क वर्म वास्तव में वर्म नहीं है, यह एक मॉथ है। इट इज नॉट अ वर्म, इट इज अ मॉथ। मॉथ फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। मॉथ का क्लास इंसेक्टा है और मॉथ का ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। क्योंकि सिल्क मॉथ क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, तो इनमें रिस्पिरेशन के लिए ट्रेकिया पाया जाता है, इनमें एक्सक्रीशन के लिए मालपिजियन टिब्यूल्स पाई जाती हैं, और इनमें थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स भी होते हैं। वास्तव में सिल्क वर्म टर्म सिल्क मॉथ के लार्वा के लिए दिया जाता है। इट इज द टर्म यूज फॉर लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क को प्रोड्यूस लार्वा करता है, इसलिए सिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट है। सिल्क इज एन एनिमल प्रोडक्ट एंड सिल्क इज सिक्रीटेड और प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा ऑफ सिल्क मॉथ। अब आपको हम सिल्क के टाइप्स के बारे में बताएंगे। सिल्क के फोर मेन टाइप्स होते हैं, जैसे मलबरी सिल्क या चाइनीज सिल्क, टसर सिल्क या कोसा सिल्क, एरी सिल्क या अरंडी सिल्क, मूंगा सिल्क या असम सिल्क। जो मलबरी सिल्क है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा ऑफ बॉम्बेक्स मोरी। टसर सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा ऑफ मेनी स्पीशीज ऑफ एंथेरिया, जैसे एंथेरिया रॉयली, एंथेरिया पेरनाई, एंथेरिया पाफिया और एंथेरिया माइलेटा। इरी सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा ऑफ अटैकस रिसिनाई, इसी का दूसरा नाम है फिलोसामिया रिसिनाई। मूंगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय एंथेरिया असामेंसिस। अब ये जो लार्वा हैं, इनको पालने के लिए इनको भोजन देना पड़ता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो लार्वाज आप देख रहे हैं, ये अलग अलग प्लांट्स की पत्तियों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बक्स मोराई का जो लार्वा है, इट फीड्स ऑन लीफ ऑफ मलबरी प्लांट, और मलबरी प्लांट का जो जनरा है वो है मोरस। इसी तरह से एंथेरिया की जो तमाम स्पीशीज हैं जिनसे टसर सिल्क निकलता है, उनके लार्वा कई प्लांट्स की पत्तियों को खाते हैं, जैसे ओक है, बेर है, फिग है, साल है, अर्जुन है, जामुन है। ओक का जेनरिक नेम क्वेरकस है, बेर का जेनरिक नेम जैजिपस है, फिग का जेनरिक नेम फाइकस है, साल का जेनरिक नेम सोरिया है, अर्जुन का जेनरिक नेम टर्मिनेलिया है और जामुन का जेनरिक नेम साइजाइजियम है। जो अटैकस रिसिनाई का लार्वा है, दैट फीड्स ऑन लीफ ऑफ कैस्टर प्लांट, और कैस्टर का जेनरिक नेम रिसिनस है। इसी तरह से एंथेरिया असामेंसिस का जो लार्वा है, इट फीड्स ऑन सोम प्लांट एंड जेनरिक नेम ऑफ सोम इज माचिलस। तो इस तरीके से आपने देखा कि चार मेन टाइप के सिल्क होते हैं, और ये चारों जो टाइप के सिल्क हैं, ये अलग अलग स्पीशीज सिल्क मॉथ की, उनके लार्वा इनको प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो लार्वा हैं, ये अलग अलग प्लांट्स की पत्तियों को खा करके ग्रोथ करते हैं। अभी अभी जो हम लोगों ने चार सिल्क मॉथ की स्पीशीज का डिस्कशन किया है, उसके अलावा भी कुछ सिल्क मॉथ की स्पीशीज होती हैं जिनसे सिल्क निकलते हैं, लेकिन वो रेयर सिल्क होते हैं। जैसे एक जायंट सिल्क मॉथ होता है जिसका जूलॉजिकल नेम अटैकस एटलस है, इससे फगारा सिल्क निकाला जाता है, इसका कुकून से फगारा सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। ये जो जायंट सिल्क मॉथ है अटैकस एटलस, इसे लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट कंसीडर किया जाता है, और इसका विंग स्पैन 28 सेंटीमीटर होता है। सिल्क मॉथ की बहुत सारी स्पीशीज है, लेकिन कुछ सिल्क मॉथ की स्पीशीज जो हैं, वो इतने लंबे समय से डोमेस्टिकेट की जा रही हैं ह्यूमन के द्वारा कि वो वाइल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे बॉम्बेक्स मोराई है और अटैकस रिसिनाई है, ये जो दोनों सिल्क मॉथ की स्पीशीज हैं,
they have been domesticated for so long that they cannot survive without human care in wild. यानी कि इन सिल्क मॉथ स्पीशीज को अगर छोड़ दिया जाए वाइल्ड कंडीशन में तो ये अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएंगे और पूरी तरह से अर्थ पर इनका एग्जिस्टेंस ह्यूमन पर डिपेंडेंट है. यानी अगर ह्यूमन इनको ना पाले तो ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. अब सिल्क का प्रोडक्शन केवल सिल्क मॉथ से ही नहीं होता है, कुछ दूसरे एनिमल्स भी हैं जो सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं. जैसे एक मॉलस्क है, बाइवॉल्व है, फाइलम मॉलस्का में क्लास होता है बाइवॉल्विया, उसमें एक मेंबर है जिसको मुसल कहते हैं. मुसल खासकर पिन्ना स्पीशीज वो भी सिल्क प्रोड्यूस करती है और उसको मुसल सिल्क कहा जाता है. सो मुसल सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मुसल ऑफ पिन्ना स्पीशीज और इससे सी सिल्क बनाया जाता है. इसी तरह से स्पाइडर्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स होते हैं स्पाइडर्स, जो क्लास अरेक्निडा से बिलोंग करते हैं, इनसे भी सिल्क निकलता है और उसको स्पाइडर सिल्क कहते हैं. स्पाइडर सिल्क वही है जो मकड़ी जाला बनाती है, उसी को स्पाइडर सिल्क बोलते हैं. जो मकड़ी का जाला होता है वो भी एक तरह का सिल्क है, तो वो भी स्पाइडर सिल्क माना जाता है और मकड़ी उसको बनाती है. अब आइए आगे चलते हैं. जितने भी तरह के हम लोगों ने सिल्क पढ़े हैं, इसमें से मलबरी सिल्क जो है वो सबसे कॉमन सिल्क है, मोस्ट कॉमन सिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन इंडिया. क्यों कॉमन है? क्योंकि ये पूरे दुनिया में या इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है. सो मलबरी सिल्क इज मोस्ट कॉमन सिल्क. मलबरी सिल्क के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, मलबरी सिल्क इज द बेस्ट सिल्क ऑफ ऑल सिल्क. मलबरी सिल्क सभी सिल्क में बेस्ट सिल्क है. क्यों? क्योंकि मलबरी सिल्क से लस्टर रिलीज होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वाइट क्रीमी लस्टरस अपीयरेंस दिखाता है. मलबरी सिल्क सफेद रंग का होता है, क्रीम कलर का होता है और इसे चमक निकलती है, तो इसलिए इसको हम बेस्ट सिल्क कहते हैं मलबरी सिल्क को. टसर सिल्क को वाइल्ड सिल्क भी कहा जाता है. क्यों टसर सिल्क को वाइल्ड सिल्क कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ वाइल्ड स्पीशीज से ही प्रोड्यूस होता है, वाइल्ड स्पीशीज के लार्वा ही इसको प्रोड्यूस करते हैं, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज से ये सिल्क नहीं ऑब्टेन किया जाता. तो इसलिए टसर सिल्क इज वाइल्ड सिल्क बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय वाइल्ड स्पीशीज ऑफ सिल्क मॉथ. इरी सिल्क, इरी सिल्क के बारे में एक मजेदार पॉइंट जान लीजिए. इसको अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं या नॉन वायलेंट सिल्क भी बोलते हैं या पीस सिल्क या वेजिटेरियन सिल्क भी कहते हैं, क्योंकि इस सिल्क को ऑप्टेन करने में प्यूपा को नहीं मारना पड़ता है. क्योंकि सिल्क जो है वो कुकून से ऑप्टेन होता है. कुकून जो है एक घर जैसा होता है जिसके अंदर प्यूपा रहता है, तो प्यूपा के चारों ओर प्यूपल केस होता है या उसी को कुकून कहते हैं, वो सिल्क थ्रेड का ही बना होता है. तो यदि हम प्यूपा को नहीं मारेंगे तो प्यूपा सिल्क थ्रेड को काट करके कुकून के एंड से, एक एंड से वो निकल जाएगा बाहर और एडल्ट में चेंज हो जाएगा. तो प्यूपा सिल्क थ्रेड यानी कुकून को ना काटने पाए, इसलिए प्यूपा को मार करके उस कुकून को स्टोर करना पड़ता है. लेकिन इरी सिल्क ऐसे कुकून से निकाला जाता है जिसमें से प्यूपा ऑलरेडी निकल चुका है, जा चुका है कुकून के एक एंड को काट करके. तो फिर उस ओपन एंडेड कुकून से ही ये सिल्क तैयार किया जाता है, इसलिए इसको हम अहिंसा सिल्क या नॉन वायलेंट सिल्क या पीस सिल्क या वेजिटेरियन सिल्क कहते हैं. अब हम सिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे. पूरे दुनिया में सिल्क प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 है, इंडिया नंबर 2 है और जापान नंबर 3 है. ये टोटल सिल्क प्रोडक्शन की बात की जा रही है या मलबरी सिल्क प्रोडक्शन की बात की जा रही है. ये भी याद रखिएगा कि सिल्क की डिस्कवरी चाइना में हुई थी. अब इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं. इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन की जब बात की जाती है तो सबसे पहले CSRI, सेंट्रल सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम याद रखिएगा. ये मैसूर में लोकेटेड है, मैसूर कर्नाटका में है. सो CSRI इज सिचुएटेड एट मैसूर इन कर्नाटका. 97% ऑफ टोटल सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम 5 states, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड जम्मू एंड कश्मीर. कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, टोटल सिल्क और मलबरी सिल्क इन इंडिया. इट इज एट फर्स्ट प्लेस. इंडिया
चारों तरह का सिल्क प्रोड्यूस करता है, मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क और मूगा सिल्क। मलबरी सिल्क 89%, टसर सिल्क 8%, एरी सिल्क 12% एंड मूगा सिल्क 1%। मूगा सिल्क के प्रोडक्शन में आसाम नंबर वन पर है। आसाम इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मूगा सिल्क। अब हम सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ बॉम्बेक्स मोराई को कहा जाता है, इसलिए हम बॉम्बेक्स मोराई की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। बॉम्बेक्स मोराई की लाइफ साइकिल में चार स्टेजेस होते हैं, एडल्ट स्टेज, एग स्टेज, लार्वा स्टेज और प्यूपा स्टेज। जो लाइफ स्पान होती है बॉम्बेक्स मोराई की वो 45 से 55 दिनों की होती है। इस 45 से 55 दिनों में एडल्ट स्टेज 5 से 6 दिनों का होता है, एग स्टेज 7 से 10 दिनों का होता है, लार्वा स्टेज 25 से 30 दिनों का होता है और प्यूपा स्टेज 6 से 8 दिनों का होता है। लार्वा स्टेज काफी देर के लिए होता है, मतलब 25 से 30 दिन। इस 45 से 55 दिन में 25 से 30 दिन लार्वा फॉर्म ही आपको दिखाई देगा। अब ये जो एडल्ट मॉथ हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। फीमेल की बॉडी लार्ज होती है और मेल की बॉडी स्मॉल होती है। फीमेल में छोटे एंटीना होते हैं और मेल में बड़े एंटीना होते हैं। फीमेल मॉथ रिप्रोडक्शन के लिए मेल मॉथ को अट्रैक्ट करती है, उसके लिए फीमेल सिल्क मॉथ बॉम्बिकोल नाम का सेक्स फेरोमोन छोड़ती है और उससे अट्रैक्ट होकर के मेल मॉथ फीमेल मॉथ के पास कॉपुलेशन के लिए जाता है। आफ्टर कॉपुलेशन मेल और फीमेल मॉथ दोनों की डेथ हो जाती है, क्योंकि दोनों ही एडल्ट मॉथ में माउथ पार्ट्स नॉन फंक्शनल होते हैं, इसलिए वो फीड नहीं कर पाते। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल में केवल लार्वा स्टेज ही फीडिंग स्टेज है, बाकी कोई भी स्टेज में फीडिंग नहीं होती है। यानी बाकी सभी स्टेज, चाहे प्यूपा स्टेज हो, एडल्ट स्टेज हो, एग स्टेज हो, ये तीनों नॉन फीडिंग स्टेज है। अब कॉपुलेशन के बाद जो फीमेल मॉथ है वो अंडे देती हैं। एक बार में फीमेल मॉथ 300 से 500 अंडे देती हैं। इन अंडों को वो समूह में पत्तियों के नीचे चिपका देती हैं। यानी दीज एग्स आर ग्लूड इन ग्रुप्स ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, यानी पत्तियों के अंडर सरफेस पर ये अंडे चिपके रहते हैं। 7 से 10 दिनों में इन अंडों से कैटरपिलर लार्वा निकलता है। ये जो कैटरपिलर टर्म है ये लार्वा के लिए दिया जाता है। सिल्क मॉथ का लार्वा हो या बटरफ्लाई का लार्वा हो, दोनों को ही कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा से। अब जब लार्वा की हैचिंग आउट हो जाती है एग से, तो ये लार्वा ग्रोथ करता है और माउल्टिंग भी दिखाता है। अपने पूरे लार्वल स्टेज के दौरान ये 4 माउल्टिंग करता है और जो सबसे आखिरी स्टेज होती है लार्वा की, 5th स्टार लार्वा, उसमें कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर 4th माउल्टिंग। तो कुल 4 माउल्टिंग आपको सिल्क मॉथ के लार्वा में देखने को मिलेगा। जो फुली डेवलप्ड लार्वा होता है, जिसको हम 5th स्टार लार्वा कहते हैं या कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, वही सिल्क थ्रेड सिक्रीट करता है और अपने चारों ओर उसी सिल्क थ्रेड से कुकून बनाता है या प्यूपल केस बनाता है, और उसी प्यूपल केस या कुकून के अंदर ये लार्वा प्यूपा में चेंज हो जाता है। अब आप देखें कि जो सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल है, इसमें 45 दिनों से 55 दिनों में सबसे कम समय एडल्ट स्टेज को मिलता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस स्टेज को सबसे कम स्पान मिलता है, कम टाइम मिलता है, तो वो है एडल्ट स्टेज। और सबसे ज्यादा वक्त कैटरपिलर लार्वा को मिलता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। अब हम फुली डेवलप्ड कैटरपिलर लार्वा के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। फुली डेवलप्ड कैटरपिलर लार्वा को 5th इंस्टार लार्वा कहते हैं, जो कि 4th माउल्टिंग के बाद बनता है। इस लार्वा की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है। इस लार्वा के शरीर में 3 हिस्से होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड में
थ्री फ्यूज्ड सेगमेंट्स होते हैं और हेड से वन पेयर एंटीना निकला होता है। हेड में माउथ भी होता है और ये माउथ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है। थोरेक्स में कुल तीन सेगमेंट्स होते हैं और हर सेगमेंट से वन पेयर ट्रू लेग्स निकला होता है और ये लेग्स ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। एब्डोमेन में कुल 10 सेगमेंट्स होते हैं और थर्ड सेगमेंट, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट, सिक्स सेगमेंट और नाइन्थ सेगमेंट से वन पेयर फॉल्स लेग निकले रहते हैं। इनको प्रो लेग भी कहते हैं या स्यूडो लेग भी कहते हैं। ये अनज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उसके एट्थ सेगमेंट से एक डॉर्सल एनल हॉर्न भी निकला होता है। ये जो कैटरपिलर लार्वा है फुली डेवलप्ड होने पर ये अपने माउथ से सिल्क थ्रेड निकालता है और इस सिल्क थ्रेड को अपने चारों तरफ लपेट लेता है और लपेट करके कुकून बनाता है और इसी कुकून के अंदर अपने आप को प्यूपा में चेंज कर लेता है। अब देखिए, जब ये लार्वा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और अब सिल्क निकालने का वक्त आता है तो ये खाना छोड़ देता है। सो लार्वा व्हेन गेट फुली डेवलप्ड स्टॉप्स फीडिंग एंड स्टार्ट सिक्रीटिंग सिल्क। सिल्क सिक्रीशन के लिए इस फुली डेवलप्ड कैटरपिलर लार्वा में वन पेयर सिल्क ग्लैंड होती है और सिल्क ग्लैंड को सेरेक्टरीज भी कहा जाता है। ये सिल्क ग्लैंड या सेरेक्टरीज वन पेयर सेलेवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। जो सिल्क ग्लैंड है उनकी ओपनिंग्स को स्पिनरेट कहा जाता है और इसी स्पिनरेट से सिल्क लिक्विड के फॉर्म में बाहर आता है और हवा के संपर्क में आने पर सॉलिड सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो स्पिनरेट हैं, इनकी लोकेशन हाइपोफैरिंक्स के एंटीरियर पार्ट पर होती है। सिल्क ग्लैंड मैसिव ग्रोथ दिखाते हैं। जब लार्वा कई स्टेजेस से होता हुआ फाइनल स्टेज पर पहुंचता है यानी फिफ्थ स्टार स्टेज पर पहुंचता है, उस दौरान सबसे ज्यादा डेवलपमेंट सेलेवरी ग्लैंड में होता है। सेलेवरी ग्लैंड मैसिव ग्रोथ इसलिए दिखाती है क्योंकि आगे चल करके इसी सेलेवरी ग्लैंड से सिल्क निकलना है। सेलेवरी ग्लैंड के ग्रोथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सेलेवरी ग्लैंड लार्वा की कुल लंबाई का 5 गुना ज्यादा लंबी होती हैं और लार्वा के कुल वेट का 2/5 होती हैं। हम अब पढ़ेंगे कि सिल्क कैसे कुकून से निकाला जाता है और सिल्क थ्रेड का क्या स्ट्रक्चर है। उसके पहले थोड़ा हम लोग स्टिफलिंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टिफलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इनसाइड कुकून। स्टिफलिंग एक प्रोसेस है जिसके जरिए कुकून के अंदर जो प्यूपा है उसको मारा जाता है। अब प्यूपा को मारने के लिए कुकून को खोलते हुए पानी में या हॉट ओवन में या धुएं में रखा जाता है और जब ऐसा किया जाता है तो प्यूपा की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, यानी प्यूपा गेट किल्ड ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या सफोकेशन उसी को कह लीजिए या एस्फिक्सिएशन कह लीजिए। इस पर एक्सपाइसिएशन का मतलब होता है दम घुटना। अब आइए, कुकून को ही प्यूपल केस कहा जाता है और एक कुकून का वजन 2 ग्राम होता है और एक कुकून एक ही सिल्क थ्रेड का बना होता है जिसकी लंबाई 1000 मीटर से 1500 मीटर तक होती है। जो सिल्क थ्रेड है वो 2 तरह के प्रोटीन का बना होता है, फाइब्रोइन प्रोटीन और सेरसिन प्रोटीन। फाइब्रोइन प्रोटीन 80% होता है और सेरसिन प्रोटीन 20% होता है। फाइब्रोइन प्रोटीन वाटर में इनसॉल्युबल है और सेरसिन प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल है। मतलब ये कि अगर सिल्क थ्रेड को पानी में डाल के थोड़ा गर्म किया जाए तो सेरसिन प्रोटीन निकलने लगेगी सिल्क थ्रेड से, बिकॉज सेरसिन प्रोटीन इज वाटर सॉल्युबल। अब हम सिल्क थ्रेड का स्ट्रक्चर देखेंगे। जो सिल्क थ्रेड है उसमें जो आउटर पार्ट है वो सेरसिन प्रोटीन का बना होता है। सेरसिन प्रोटीन एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है और जो सिल्क थ्रेड का जो इनर पार्ट है वो फाइब्रोइन प्रोटीन का बना होता है। इसमें फाइब्रोइन प्रोटीन के 5 फिलामेंट्स या 5 फाइबर्स होते हैं। फाइब्रोइन प्रोटीन बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर दिखाती है और फाइब्रोइन प्रोटीन जो कि सिल्क थ्रेड का
सेंट्रल कोर कह लीजिए या इनर पार्ट कह लीजिए बनाती है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C30H46N10O12, सेरेसिन प्रोटीन का वहीं पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C30H40N10O12। सेरेसिन प्रोटीन प्रोटेक्टिव प्रोटीन तो है ही है, ये साथ में जो पांच फाइब्रोइन प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं उनको आपस में चिपकाने का भी काम करती है, होल्ड करने का भी काम करती है, तो ये गम या ग्लू लाइक प्रोटीन भी है। अब हम डिगमिंग के बारे में पढ़ेंगे। डिगमिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिल्क थ्रेड से सेरेसिन को रिमूव किया जाता है। सेरेसिन जो है वो नेचुरल गम है, तो सेरेसिन को सिल्क थ्रेड से रिमूव करने को डिगमिंग कहा जाता है, और इसके लिए सिल्क थ्रेड को पानी में डाल के उबाला जाता है, और चूंकि सेरेसिन वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है इसलिए वो आसानी से पानी में डिजॉल्व हो जाती है और सिल्क थ्रेड से बहुत सारा सेरेसिन निकल जाता है। सेरेसिन के वजह से जो सिल्क थ्रेड है वो रफ होता है, हार्ड होता है, हैवी होता है और उसमें चमक नहीं रहती है, नॉन लस्ट्रस होता है, लेकिन डिगमिंग के बाद सिल्क थ्रेड सॉफ्ट हो जाता है, लस्ट्रस हो जाता है, चमक आ जाती है और हल्का हो जाता है। अब जैसे आप देखें रॉ सिल्क है, रॉ सिल्क का मतलब ही है कि ऐसा सिल्क जिसमें सेरेसिन है, यानी रॉ सिल्क जो होगा वो रफ होगा, हार्ड होगा, हैवी होगा, जबकि जो सिल्क डिगमिंग से बनाया जाएगा उसमें सेरेसिन नहीं रहेगा, वो सॉफ्ट होगा, लस्ट्रस होगा और लाइट होगा। सेरेसिन प्रोटीन एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है और वो जब तक सिल्क थ्रेड के साथ रहती है सिल्क थ्रेड को नुकसान नहीं होने देती, डिग्रेडेशन से बचाती है। सो सेरेसिन इज रिटेन्ड इन सिल्क थ्रेड टिल यार्न और फैब्रिक स्टेज, जब कपड़े बन जाते हैं और जब उनके पहनने की बारी आती है, मार्केट में बेचने की बारी आती है, तब उन कपड़ों को पानी में उबाल करके डिगमिंग किया जाता है। अब हम सिल्क वर्म को होने वाली बीमारियों के बारे में कुछ पढ़ेंगे। सिल्क वर्म को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें से चार बीमारियां बहुत ही फेमस हैं, पेब्राइन डिजीज, मस्कार्डाइन डिजीज, फ्लेचेरी डिजीज और ग्रेसेरी डिजीज। पेब्राइन डिजीज को पेपर डिजीज भी बोलते हैं, ये एक फंजाई से होता है जिसका नाम नोसेमा है। नोसेमा को पहले प्रोटोजोवन समझा जाता था, लेकिन बाद में स्टेब्लिश हो गया कि नोसेमा प्रोटोजोवन नहीं, फंजाई है। मस्कार्डाइन डिजीज भी फंजाई से होता है और बहुत सारे फंजाई मस्कार्डाइन कॉज करते हैं, जिसमें से ब्यूवेरिया है, पाइसिलोमाइसीज है और बोट्राइटिस है। फ्लेचेरी एक तरह का लीथल डायरिया है, ये वायरस से भी हो सकता है, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, हीट से भी हो सकता है, मतलब वायरल फ्लेचेरी, बैक्टीरियल फ्लेचेरी और हीट फ्लेचेरी। इसमें सिल्क मॉथ के बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, इसीलिए फ्लैसिडनेस डेवलप हो जाती है सिल्क मॉथ में। जो बैक्टीरियल फ्लेचेरी है वो ज़्यादा कॉमन है, वो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस और सेराटिया से होता है। अब ग्रेसेरी डिजीज वायरल डिजीज है और ये बोरेलिना नाम के वायरस से होता है, और जो बोरेलिना वायरस है वो न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस का एक टाइप है। अब इन सभी डिजीजेस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेब्राइन से आए हैं। पेब्राइन डिजीज के बारे में एक खास बात है कि ये एक हेरिडेटरी डिजीज है, मतलब ये है कि पेब्राइन डिजीज कैटरपिलर लार्वा को होता है और एक जनरेशन में इन्फेक्शन होता है और दूसरे जनरेशन में सिम्टम आता है। कैटरपिलर लार्वा जब इन्फेक्टेड लीफ को खाता है तो नोसेमा कैटरपिलर लार्वा के बॉडी में चला जाता है, लेकिन उस कैटरपिलर लार्वा पर कोई सिम्टम नहीं आता डिजीज का और वो नॉर्मली प्यूपा में डेवलप हो जाता है और प्यूपा से एडल्ट मॉथ बन जाता है। और जब ये एडल्ट मॉथ यानी कि फीमेल मॉथ जब अंडे देती हैं तो ये नोसेमा का इन्फेक्शन उन अंडों में भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी अब वो जो अंडे हैं वो इन्फेक्टेड अंडे हैं और उन अंडों से यानी इन्फेक्टेड अंडों से
जब कैटरपिलर लार्वा हैच आउट होता है तो उसकी डेथ हो जाती है और वो सिल्क नहीं बना पाता। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कैटरपिलर लार्वा ने नोसेमा इन्फेक्टेड लीफ को खाया वो तो नॉर्मल लाइफ जिया, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन का कैटरपिलर लार्वा है उसकी डेथ हो गई और उसने सिल्क नहीं बनाया। तो इस तरीके से इन्फेक्शन अकर्स इन वन जनरेशन एंड सिम्टम अपीयर्स इन नेक्स्ट जनरेशन, और पिपराइन डिजीज एक हेरिडिटी डिजीज हुआ। कैटरपिलर लार्वा बहुत ही ज्यादा भोजन खाता है, बहुत ही ज्यादा पत्तियां खाता है, जैसे लगता है कि वो खाने के लिए ही पैदा हुआ है। वोरेसियस फीडर है वो। इसके खाने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने वजन के लगभग 30,000 गुना ज्यादा मात्रा की पत्तियों को खा सकता है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे सिल्क मॉथ के बारे में। अब जैसे सिल्क मॉथ दो तरह के होते हैं, कुछ सिल्क मॉथ होते हैं जो नॉन डायपाज एग देते हैं और कुछ सिल्क मॉथ होते हैं जो डायपाज एग देते हैं। नॉन डायपाज एग का मतलब होता है ऐसे अंडे जो कंटिन्यूअस ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाते हैं, और डायपाज अंडों का मतलब होता है ऐसे अंडे जो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को सस्पेंड कर देते हैं, यानी रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। जो नॉन डायपाजल एग वाले सिल्क मॉथ हैं वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाए जाते हैं जैसे इंडिया में, जबकि डायपाजल एग वाले जो सिल्क मॉथ होते हैं वो टेम्परेट कंट्री में पाए जाते हैं। अब एक टर्म आता है वोल्टनिज्म। वोल्टनिज्म क्या है? वोल्टनिज्म टर्म है जो इंडिकेट करता है कि एक ऑर्गेनिज्म एक साल में कितने जनरेशन देता है। जनरली वोल्टनिज्म टर्म सेरिकल्चर में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सिल्क मॉथ जो होते हैं वो यूनिवोलेटाइन होते हैं, कुछ बाईवोलेटाइन होते हैं, कुछ मल्टीवोलेटाइन होते हैं, कुछ सेमीवोलेटाइन होते हैं। यूनिवोलेटाइन सिल्क मॉथ का एक साल में एक ही जनरेशन बनता है। बाईवोलेटाइन सिल्क मॉथ एक साल में दो जनरेशन देते हैं। मल्टीवोलेटाइन सिल्क मॉथ एक साल में दो से ज़्यादा जनरेशन देते हैं, और सेमीवोलेटाइन सिल्क मॉथ बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं। इनके एक जनरेशन को कम की लाइफ साइकिल पूरा होने में कई साल लग जाते हैं, एक से ज्यादा साल लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेरिकल्चर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने की कोशिश की है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सेरिकल्चर से डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।